गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जय श्री राम। मेरे चेहरे से ज़्यादा मेरा होठ चमक रहा है फिलहाल। आज बड़ा ही बुरा लग रहा होगा तो अपने आपको बहुत ही ज़्यादा। गर्दन पैसे भी नहीं रंग उतर रहा, मतलब मुझे तो लग रहा है कैमरा ज़्यादा फिर भी ठीक दिखा रहा है, रियलिटी में तो बहुत बुरा हाल है। और अभी आज हमें जाना गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। गाड़ी खड़ी है, भाई लेकर आया था, जो इसकी सर्विस करानी है और एक दो चीज़ें देखनी है जो इसकी ठीक हो जाए, जैसे दरवाजे हो गए, आवाज़ कर रहे हैं, वो ठीक कराना। और म्यूज़िक सिस्टम नहीं चल रहा हो तो सर्विस में हो जाएगा। पता नहीं कि उसका वायर या तो लूज़ हो गया, आईसी फूक गई होगी। बम्पर का काम है मेन जो इसमें होना है, डेंटिंग वेंटिंग का, वो पीछे वाला बम्पर और आगे वाला। तो ये नेक्स्ट टाइम जब आएगी गाड़ी तब कराएंगे इसका अलग काम। फिलहाल अभी यहाँ से निकलता है और गोलू सो रहा है तो गोलू को मैंने फ़ोन करा, आज घूमने वो बेगमपुर चल रहा, बहुत अर्जेंट काम है। तो वो कह रहा कि थोड़ी देर में आना, मैंने कहा नहीं अभी आ रहा हूँ, मुझे भी काम उससे सर्विस को ले जाऊँगा, एक दो घंटे उसके खपा दूँगा ऐसी। थोड़े टाइम एक तो गाड़ी चला रहा हूँ, दूसरा एक तो देखो ये गाड़ी खड़ी गई और पीछे की तरफ एक और गाड़ी दिखेगी, अभी नहीं दिख रही, ये दिख गई शीशे में दिख रही है। तो गाड़ी में बस इतना ही स्पेस है, इतना स्पेस है कि बाइक निकल पाए। सामने की तरफ भी एक गाड़ी खड़ी है, बड़ी दिक्कत है यार गली में। मतलब सब एक तो कोऑपरेटिव है ना, तो कोई दिक्कत होती नहीं है, बट दिक्कत यह है कि एक तरफ से रास्ता खुला हो रहा। हाँ निकालो निकालो, सारा निकालो, खाली कर दो सब, खाली कर दो कुछ नजर पड़ेगी। डायपर वाइपर सब निकालो, ये डायपर भी डाल रखे हैं सब। अब आया उठ के, भैया इतनी देर कौन लगाता है, बता दे, एक घंटे से इंतजार कर रहा हूँ तेरा, 15 मिनट खराब कर दी तूने मेरी। यहाँ जाना कहाँ, यही तक जाना बेगमपुर तक, आ तो तेरी छुट्टी है ना आज की भी, यही तो दिक्कत है, नींद खराब कर दी मेरी। चल उठाया नहीं आज मुझे। अच्छा तो तुझे पता है उठाने वाला कौन है, बस सेट तेरे घर वाले हैं तो तेरे को उठाने के लिए। मैं ही थोड़ी नहीं, आज नहीं उठाते, आज नहीं उठाते, रात करके सोया था। कितनी लेट सोया था, आज आखिरी छुट्टी है। ये देखो गाड़ी में टायर लगाने के लिए पड़ोसी भी भाई हेल्प कर रहा, यही तो जीवन है, एक दूसरे की हेल्प करते रहो, खुश रहो, किल्स हो नहीं। तुम्हारा पड़ोसी देख रहा था। मेरा पड़ोसी कौन, कौन है भाई, क्या नाम है इसका, लीलो अंकल नहीं तो मैं तुम्हारा पड़ोसी कौन, जैन अंकल। हाँ हमारे, अच्छा वो देख रहे होंगे, ढूंढा था। अच्छा नमन होगा इधर से। अच्छा बुआ क्या होगा, ओके ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया, वही तो खड़ा था स्कूटी पे गाड़ी का आगे। अच्छा भाभी के साथ था, ध्यान नहीं गया, था ही नहीं यार, नहीं जाता तभी तो मैं, तभी तो मेरा ध्यान नहीं गया, ध्यान तो चला जाता वरना भाभी होते तो। जैन सब मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत लेना, ये तो मैंने मेंशन भी कर दिया, मोहल्ले वालों को पता लग जाएगी। चलो ठीक है यार, मतलब जैन साहब एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं। ये देखो सामने की तरफ गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही हैं। सर्विस सेंटर तो आ गए भाई, पर भीड़ देखो कितनी ज़्यादा लग रही है, 1 2 3 4 5 6 गाड़ियाँ लगी हुई ऑलरेडी, और सबसे लास्ट में मेरी गाड़ी खड़ी है। देवेंद्र जी आगे खड़े, इन्हीं को मेरे को सर्विस प्रोवाइड करानी, मतलब इन्हीं से गाड़ी की सर्विस करानी है। क्या हाल चाल है जी, क्या है जी, बढ़िया। गाड़ी की सर्विस करानी है, 16 दिन तैयार करना पड़ेगा, जल्दी लगवा देना, आज थोड़ा अर्जेंट है, ठीक है। हाँ स्टार्ट नहीं हो रही क्या, अभी यहाँ से निकल रहे हम वापस घर की तरफ, और गाड़ी छोड़ दी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ लगेगा टाइम अभी 3:30 4:30 4 बज जाएंगे, इतना टाइम उन्होंने बताया कि इतना टाइम लग जाएगा। तो गोलू की बाइक खड़ी थी यहीं पास में, अब गोलू और मैं दोनों चले जाएंगे। धुआं दे रही है ना, दे रही ना, दे रही धुआं ना, दे रही बंद हो गई, पर आराम से चला, आराम से। घर आने के बाद भाई ना दो के ऑल सेट। अब ये देखो कलर पहले से तो काफ़ी कम हो गया, बट मैं शैम्पू नहीं, वो फेस पे ना फेस वॉश नहीं यूज़ करा, पानी से वॉश कराया था। एक दो दिन में उतर जाएगा, 2-3 दिन में जितना भी उतरेगा मतलब सारा उतर ही जाएगा ऑलमोस्ट। और पैरों का भी ये कंडीशन है देखो, अभी तो बहुत कम हो गया, बट अभी उससे पहले ना जब मैं सुबह तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कल मैंने ठीक से पानी से साफ़ नहीं करे थे, फिर अब मैंने साबुन से साफ़ करे थे। बस अभी यहाँ से निकल रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी वाले का फ़ोन आ गया, कह रहा है कि बस टेस्ट ड्राइव लेनी है और फिर वॉशिंग पे लगानी, फिर उसके बाद आप ले जाओ गाड़ी। तो बस 5-10 मिनट में जैसे भी होगा निकलते हैं, और आप लोगों को अपडेट देते हैं गाड़ी में क्या क्या काम रह गया है वो भी बताना, क्योंकि काफ़ी सारा काम अभी रह गया है जो बाद में करेंगे, 1 महीने बाद जैसे भी अपडेट रहेगी बताऊँगा।
फाइनली भाई वापस शोरूम पर आ गया और अपनी गाड़ी रेडी हो गई। ये नहीं है अपनी गाड़ी सामने की तरफ है, टोटल इसमें जो अमाउंट लगी है हमारी वो लगी है 5100, ठीक है 5100 वही 84 पैसे, हाँ मतलब यही अमाउंट है 5100 जिसमें दिखाया है 5500 का था। मैंने अमाउंट भी नहीं देखा पेमेंट कर दिया कि कितना अमाउंट है, तभी मुझे मतलब ज़्यादा वाले लोग गाड़ी पूरा कम्प्लीट हो जाएगा तब आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना काम रह गया उसमें, क्या क्या चीज़ें होंगी बाकी, ठीक है। अभी हमारी गाड़ी में जो काम होना मतलब सर्विस, तो बाकी सर्विस से रिलेटेड तो सारी चीज़ें हो गई, आगे के जो माउंट होते हैं ना वो सोकर माउंट जो होते हैं वो डैमेज है पूरे इसके, तो अभी वैसे काम तो चल जाएगा बट वो भी काम होना है उसमें। और रियर का एक टायर में वो डलना है, बैरिंग डलना है, अब लेफ्ट वाला बैरिंग है, हाँ लेफ्ट वाले टायर का बैरिंग डलना है। एक चीज़ और है वो और बताता हूँ, जंपिंग रोड बुश हो डलने हैं इसमें, कैमरा क्लीन हुआ, हाँ जंपिंग रोड बुश हो डलने हैं, उससे अलग एसी का डिस्चार्ज पाइप जो होता है उसमें काम कुछ होना है। ये चार चीज़ें और करानी है इस गाड़ी में, फिर गाड़ी टोटली ओके हो जाएगी। फिर इसमें रह जाएगा बॉडी का काम, जैसे आवाज़ हो गई, इसकी आवाज़ ख़त्म करनी है तो डोर की रबड़ चेंज होगी और डेंटिंग पेंटिंग होगी, तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट मंथ या फिर कुछ दिन बाद ही करा दूँगा इसमें। अभी तो फिलहाल ये नोएडा चली जाएगी, फिर उसके बाद वापस जब आएगी जब इसमें काम होगा। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं घर के लिए, घर के लिए क्या, घर तो पड़ोस में ही है, घर के लिए अलग से क्या जाना पड़ेगा। इसका म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया था, इसका कोई मुझे लगता है शॉर्ट सर्किट हो गया, वो कोई क्या कहते हैं आईसी वाईसी होती है ना, इस जगह यहाँ पे लगी होती होगी तो वो ख़राब हो गया स्विच इसका, तो वो चेंज कर दे तो म्यूजिक सिस्टम वापस से इसका रिपीट हो गया चालू। और इस गाड़ी में यहाँ से ना किसी ने शीशा तोड़ा है जानबूझ के, देखो अभी दिखाता हूँ एक चीज़ ना, ये देख रहा हूँ पे निशान दिख रहा है ये, तो ये यहाँ पे निशान जानबूझ के मारे हैं किसी ने, जिसने ही मारे होंगे मतलब सोसाइटी में खड़ी रहती है तो वहाँ से ही ना ये टूट गया पूरा शीशा, ऐसे लाइन आती जा रही है नीचे तक आ जाएगी। तो इसमें अभी ये छोटे छोटे काम है जो बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे सब खत्म कराने पड़ेंगे। अब सर्विस कराने के बाद एक तो है, एक चीज़ तो है कि गाड़ी चलाने में मज़ा तो आता है। अब इसमें एक दो चीज़ें हैं जो अभी ठीक होनी है, वो भी ठीक हो जाएंगी जल्दी से। अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए और मेरे साथ दिग्विजय है और सचिन भैया, मैं कह रहा हूँ कबीर सिंह वाला सीन करने के लिए गया था फिर से, मैंने कहा पब्लिकली करते ना। एक बात बता, हाँ एक लड़का दूसरे लड़के गाल पे किस करता है तो क्या मुझे जज कर सकते हैं? हाँ मीठा होगा, पर जब लड़की करती है तब नहीं करते, तब खट्टा होता है तब पता नहीं क्यों यार, वैसे ये तो मेंटेलिटी है लोगों की है, हम नॉर्मल लोग भी ऐसे सोचते हैं भाई, नॉर्मल यार पर होता नहीं है यार ऐसा, लड़का लड़की के साथ करे तो ठीक है पर लड़का लड़के के साथ करे तो ठीक नहीं है। तो गाइस अभी यहाँ से निकल गया मैं, गाड़ी ले ली मैंने और अंधेरा भी हो गया, मतलब काफ़ी देर हो गई मेरे को गाड़ी लेवे और गाड़ी में पेट्रोल भी मैंने डला दिया, पेट्रोल का भी मैंने, अरे यार मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, खंबो कितनी गलत जगह था भाई, बिल्कुल बीच रोड पे भाई, बिजली विभाग वालों थोड़ा सा साइड में कर दो इन्हें अंडरग्राउंड कर दो खंबो वम्बो को भाई, इसी खंबे में पता एक्सीडेंट हुआ था एक गाड़ी बनना का, पूरी जल गई थी पूरी गाड़ी। और अभी मैं यहाँ से निकल गया दीदी को लेने के लिए और मेरे साथ गोलू जा रहा है, इसके साथ ना प्रैंक हो गया, मैंने सोचा जल्दी आ बहुत अर्जेंट काम है तो ये आ रहा था भगा भगा, फिर मैंने कहा यहीं तक चल रहे हैं, तो इसने जब मैं पैदल खड़ा था गाड़ी में और फिर इसने पूछा कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा यहीं तक जा रहे हैं साकेत तक, साकेत का कैसे ले जाऊँगा दौराला, मतलब 30 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर जाना 30 किलोमीटर आना। और आज लो आप लोगों को इधर कौन सा बिजनौर वाला रोड पड़ता है ना, मवाना वाला, बिजनौर वाला हाईवे स्टार्ट हो गया, एक नंबर रोड भाई, एक नंबर रोड बन गया, क्योंकि अभी हम आए थे ना होली पे गए थे तब देखा था मैंने वाला रोड भाई, गजब ही बन गया गजब। दीदी को लेने जा रहे थे भाई उन्हीं के गांव के आसपास, ये देखो कुछ प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ मेला वेला भी है तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है यहाँ, पहली बार देखा मैंने तो ऐसा कुछ सिस्टम की कोई ट्रैक्टर पे, देखो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से बग्गी जुड़ी है एंड ये कुछ गा रहे हैं जो हमारी समझ में नहीं आया था। दीदी के घर तो आ गए,
अभी इनका पीछे मिलन जो रहता ना, मिलन विदाई विदाई समारोह, वो चल रहा पैर छूने वाला, जो सास ससुर होते नंद साहू, मतलब मुंशी जी की बहन बहन जो होते हैं ना, नहीं मुंशी जी का जो भाई है उनकी, उनका छोटा मतलब मुंशी का भाई जो है उनकी भाई, उनसे बात चल रही है। अभी देखो गेट पे चुगली चल रही, चुगली समझ रही है, तो समझ रही है। मैं कुछ नहीं कही मैंने, मैं रहम कर ली बस, मैं चाटे बजाती ऐसे बोल रहे इस टाइम पे भाई, बहुत देर लग जाती इन चीज़ों में, बहुत देर हो गई मैं, बहुत देर नहीं मतलब जाम में फंस गया था, उसके बाद से लगा हुआ है भगे भगे गाड़ी पर। भाई कुछ भी कहो, ABS होना, EBD होना, मतलब बहुत सारे फीचर्स जो गाड़ियों में मिलते हैं ना, कॉन्फिडेंस आता है गाड़ी चला के। मैंने इसके अर्जेंट ब्रेक मारे 3-4 जगह जानबूझ के, कि देखता हूँ कॉन्फिडेंस आता नहीं आता, फुल कॉन्फिडेंस आया। एक जगह था मैंने मोड़ पर ब्रेक मारे तो पूरी भाई पूरी मतलब स्टेबल गाड़ी, छोटी गाड़ी भी मतलब अच्छा परफॉर्म कर। क्यों भाई गोलू, गाड़ी वाड़ी तो हम बंद करके खड़े हो गए भाई। देखो दीदी खड़ी दरवाजे पे, ये खड़ी इधर दिख रही है, विदाई नहीं खत्म हो रही, पता नहीं विदाई नहीं खत्म हो रही इनकी, तो दरवाजा खोल लिया। अभी देखो बात करते हैं, देखो देखो अभी बात नहीं खत्म हो रही। मैं सोच रहा हूँ अगर 1 घंटे पहले आ जाता तब भी हम इसी टाइम जाते, नहीं फिर और अच्छे से। हां झूठे, देखो अभी बात चल रही है इनकी। अब जाकर फाइनल हुआ इनका, ये तो काम पहले भी कर लेते जब मैंने बता देते मैं हूँ बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओह शिट, कुछ बातें बताई नहीं जाती। आने के बाद सो गया था तो ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था, तो नेक्स्ट डे ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखे ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार, उतना सपोर्ट दिया, आज तक इतना सपोर्ट किया, आगे भी ऐसे ही देते रहना।